वेल दोस्तों, तो आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नागिन के सीजन 6 के बारे में। वेल, आप लोगों के काफ़ी सारे कमेंट भी आते रहते हैं कि भाई नागिन को लेकर वीडियोस बनाया करो, लेकिन लिटरली मैं सच बताना चाहता हूँ, नागिन में कुछ ऐसा ढंग का चल ही नहीं रहा है। स्पेशली इसकी स्टोरी लाइन बिल्कुल ही बकवास हो चुकी है और कहीं ना कहीं फैंटेसी से ये ड्रामा सीरियल बनता जा रहा है। अच्छे स्टार कास्ट होने के बावजूद भी कैरेक्टर का सही से यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी यहाँ पर फैंस की यही डिमांड थी कि यहाँ पर भाई आपके पास टॉप विलेन है यानी सुधा चंद्रन और उर्वशी ढोलकिया, लेकिन यहाँ पर एकता कपूर ने किसी भी विलेन का बिल्कुल भी अच्छी तरीके से यूज ही नहीं किया। लेकिन गाइस, यहाँ पर एक बात और भी काफी ज्यादा क्लियर है कि यहाँ पर नागिन अपने बहुत ही अच्छी तरीके से इसलिए पॉपुलर है क्योंकि हम नहीं प्रिडिक्ट कर सकते कि यहाँ पर कब कौन सा कैरेक्टर नेगेटिव हो जाए और कब कौन सा कैरेक्टर यहाँ पर पॉजिटिव हो जाए। तो सेम यहाँ पर उर्वशी और सीमा के कैरेक्टर के साथ होने वाला है। जी हाँ, अगर हम सोर्सेस की माने तो ऐसी काफी सारी रूमर्स निकल कर आ रही हैं कि बहुत ही जल्द यहाँ पर भाई नागिन की स्टोरी बहुत ही बड़ा बड़ा यूटर्न लेने वाली है और आपको जो देशभक्ति वाली स्टोरी लाइन है कि यहाँ से नागमणी के इर्द गिर्द स्टोरी लाइन आपको दिखाई जाएगी और यहाँ पर पूरी और इनडायरेक्टली डायरेक्ट यहाँ पर नागवंश के इर्द गिर्द स्टोरी दिखाई जाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर बहुत ही आपको कुछ ऐसा दिखाया जाएगा कि उर्वशी और यहाँ पर सीमा सगी बहने हैं। जी अगर जहाँ पर हमको स्टार्टिंग से दिखाया जा रहा है कि यहाँ पर सीमा और उर्वशी सगी बहने ना होकर बल्कि यहाँ पर बचपन की सहेलियाँ हैं, तो गाइस ये सहेलियाँ नहीं बल्कि ये सगी बहने हैं और इन्होंने भाई कुछ ऐसे लोगों से शादी की थी जो कि काफ़ी ज़्यादा रिच थे। ये केवल और केवल इनका एक मकसद था। अब गाइस, आगे वाली स्टोरी लाइन में हमको कुछ ऐसा दिखाया जा सकता है कि यहाँ पर इन दोनों बहनों का जो मेन मकसद है नागमणी प्रथा से हासिल करना और दोनों ही के पास काफ़ी ज़्यादा सुपर नेचुरल पावर भी होने वाली है। ये गाइस ये अपने इंसानी रूप में नहीं बल्कि किसी के पास समय को देखने की, तो किसी को यहाँ पर समय को बदलने वाली भी नेचुरल पावर होने वाली है। तो बस इसी पावर का इस्तेमाल कर कर इनको पता लग गया था कि प्रथा बहुत ही जल्द देश को बचाने आएगी, तो इसीलिए ये लोग ऑलरेडी से ही वहीं पर पहुंच गए जहां पर भाई प्रथा को आना था। अब प्रथा का दिल जीतने की कोशिश कर रहे हैं। वेल, अगर ऐसा होता है तो भाई नागिन की जो डूबती नहीं है वो कहीं ना कहीं बच जाएगी और नागिन की जो अच्छी खासी हमको टीआरपी भी देखने को मिल सकती है और नागिन की स्टोरी में एक बड़ा ही चेंजेस हमको दिखाई दे जाएगा। वेल, इस शो के रिगार्डिंग आपकी क्या खबर, सॉरी इस खबर को सुनने के बाद आप कितनी ज्यादा एक्साइटेड हो नागिन के आने वाले एपिसोड को लेकर, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आपको एक बात और भी क्लियर करना चाहता हूं, अभी तक इस खबर का कोई भी कंफर्मेशन नहीं निकल कर आ रहा है, केवल ये महज एक रूमर्स ही है। वेल, मैं दिल से यही चाहता हूं कि भाई ये रूमर सच में रियल हो जाए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो यहां पर भाई नागिन को देखने में और भी ज्यादा मजा आ जाएगा। वेल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही दिया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन माय अनदर वीडियो।